नहीं होगा। घबराओ नहीं, अभी और कितनी। चिंता नहीं करो, अभी पहुंच जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। क्या बात है, रुक क्यों गए? इंसान से ज्यादा जानवर को खतरे का एहसास होता है साहेब। घोड़े के रुकने का मतलब है मौत को दावत देना। तेरी बीवी की तकलीफ बढ़ती जा रही है और यहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। हमें किसी भी तरह से अस्पताल पहुंचा दो। बहुत तूफानी बरसात है साहेब, रास्ता दिखाई नहीं देता। तो फिर क्या करें? बस्ती तो बहुत उजाड़ और सुनसान मालूम होती है, शायद उस हवेली में पनाह मिल जाए। तो फिर हमें वही ले चलो। बरसों से इस हवेली में कोई नहीं आया। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, यहाँ से ले चलो मुझे। तुम घबराओ नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। तुम यहाँ बैठो। इतनी बड़ी हवेली कोई नहीं। बैठो, मैं देखता हूं शायद कोई चौकीदार हो। लगता है ये तूफानी रात कोई कहर ढाके रहेगी। Thank you.
देर कर दी आपने। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे युग बीत गया आपका इंतजार करते करते। मेरा इंतजार? लेकिन मैं तो आपको जानता तक नहीं। क्या नहीं जानते आप मुझे? जी नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमारी पहचान तो जन्म जन्मांतर से है। मैं आप ही के इंतजार में इस सुनसान जंगल में भटक रही थी, इस उम्मीद पर क्या आप आएंगे और देखते ही मुझे पहचान लेंगे।
जैसे मैंने आपको पहचान लिया। आप किस तरह की बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। ऐसे लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये सपना नहीं, हकीकत है। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए वरना आप भीग जाएंगी। आंधी पानी का मुझ पर कोई असर नहीं होता। आपके इंतजार में इतना तपी हूँ कि सदियों तक के बरसात मेरे जिस्म को ठंडक नहीं पहुंचा सकती। खैर, अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट देंगे? जरूर, लेकिन मेरी गाड़ी कुछ खराब है। ये बरसात थम जाए तो देखता हूँ शायद कुछ कर सकूं। आप आइए बैठिए। शायद मेरी किस्मत से शुरू हो जाए। आइए देखते हैं। आइए ना। आइए, अब कोशिश करते हैं। अरे, ये तो कमाल हो गया। कमाल नहीं, करिश्मा। करिश्मा वरिश्मा कुछ नहीं, ये तो महज एक इत्तफाक है। आप करिश्मा पर विश्वास नहीं करते? जी नहीं। और रूहों पर? जी नहीं। जिस्म मिट जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। जिस्म एक कोहरा है जिसने रूह को ढांक रखा है, और इसके हटते ही रूह अपने असली रूप में आ जाती है। लेकिन मैंने आज तक किसी रूह को नहीं देखा। रूह को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कोशिश करूंगा। तो फिर गाड़ी यहीं रोक दीजिए। शुक्रिया। और हाँ, अगर आप रूहों का राज जानना चाहते हैं तो पहले अपने दिल में मोहब्बत के बीज बोइए, वरना आपकी सोच जिस्म के हद से आगे नहीं बढ़ेगी। तमन्ना होती है कि उसके मरने के बाद उसका बेटा उसकी तस्वीर को हार चढ़ाए। एक बदनसीब मां मैं हूं जो अपने जवान बेटे की तस्वीर पर हार चढ़ा रही हूं। विक्की, आज तेरा जन्मदिन है बेटे। ममता की आवाज अगर स्वर्ग तक पहुंच सकती है तो मां का आशीर्वाद ले ले, और अगर मौत के अंधेरे में से निकल कर आ सकता है तो एक बार आकर मां के तपते हुए सीने में ठंडक पहुंचा दे। एक बार आ जा विक्की, एक बार आ जा बेटे। विक्की आ गया मौसी। क्या? हाँ मौसी, मैंने आपसे अपने जिस दोस्त का जिक्र किया था ना, ये वही विक्की है। बेटे, तेरी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसा मेरा विक्की भगवान के घर से वापस आ गया हो। आपका विक्की? हाँ बेटे, मेरा विक्की अपनी अभागर माँ को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। माँ जी, मेरा नाम भी विक्की है। आपका बेटा ना सही, आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे अपना बेटा समझिए। चुक चुक जियो बेटे, तेरी उम्र भी वही है, नाम भी वही है, मोहब्बत भी वैसी ही है। तू बिल्कुल मेरे विक्की जैसा है, मेरे बेटे जैसा है। What a lovely dog. चल बेटे, तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। चलिए आओ बेटा, तुम्हारे लिए विक्की का ही कमरा ठीक किया है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गया था। बैठो,
तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी। यार तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला, एक अच्छा सा घर भी मिल गया और एक अच्छी सी मां भी मिल गई। वाह लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तुम भी तो खूबसूरत हो। हाँ क्या लोगे, ठंडा या गरम? गरम। आई हैव कॉफी। कॉफी। ये तो बहुत ही गर्म है, जैसे अभी भी बनी हो। मैं तब तक ही किसी चीज को हाथ लगाता हूं जब तक वो ताजा हो, बासी होने के बाद जाया कर देता हूं। ओह रियली? तो फिर कॉफी की क्या जरूरत है, रंगीन माहौल के लिए रंगीन चीजें चाहिए। आईना बड़ा हकीकत पसंद होता है, कभी झूठ नहीं बोलता, सबका असली चेहरा दिखा देता है। अब जब तुमने मेरा असली चेहरा देख ही लिया है तो तुम यहां से जा नहीं सकती। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटे। माँ ये हमारे सामने कौन रहता है? कुमार, बड़ा अच्छा लड़का है।
माँ इसकी शादी हो गई? नहीं तो कल मैंने इसके साथ एक लड़की देखी थी। लड़की? अरे उसकी कोई रिश्तेदार होगी, वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, हमेशा नजर झुका के चलता है। नहीं माँ, कल मैंने उसकी हवेली से एक चीख की आवाज सुनी थी। चीख? हाँ। जरूर तुझे वहम हुआ होगा, अरे वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, कितना सीधा साधा है। लेकिन माँ बेटा तुझे क्या जरूरत पड़ी है दूसरों के घरों में झांकने की? लेकिन अपने काम से मतलब रखा कर, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है, बस जल्दी से नाश्ता कर और जा। हे, अरे गुल्लू उस्ताद, आज कॉलेज में बड़ा ही पटाखा माला है, अगर तुम उसे सेट कर लो तो मजा ही आ जाए। रियली? हाँ। एक काम करो, उस प्यारे प्यारे माल को बड़े प्यार से छेड़ो और मैं तुम्हारी प्यार से पिटाई करूंगा, फिर मामला फिट होएगा। क्यों? मगर गुरु प्यार से। हाय स्वीट हार्ट। आप आपसे दोबारा इतनी जल्दी मुलाकात होगी? दोबारा मुलाकात? लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो क्या आप मुझे नहीं पहचानती? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ दिन हुए हम जंगल में मिले थे और आप ही ने तो कहा था कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। सपना? हाँ? एक्सक्यूज मी, चीज के रख दूंगा। नया है वो कॉलेज में? क्या बात है? तो एक खास बात बताता हूं। क्या है, इस लड़की पर हमारी नजर है, तुम चाहो तो उसे बहन बना सकते हो, वरना बच्चे अगर नहीं समझे तो इसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, ये भाषा मैं भी जानता हूं। ठहरो। मैंने कहा था चीर के रख दूंगा। महाभारत फिर किसी द्रौपदी के लिए हो रहा है। उठ कृष्णा, बंद करा। हरामजादे, जितनी जल्दी हो सके उससे राखी बंधा ले, वरना मैं तुझे चीर के रख दूंगा, समझे? कैसा जमाना आ गया, किसने इस लड़की का खून करके यहाँ फेंक दिया? मुझे तो कुछ और ही लगता है, लगता है किसी राक्षस ने इसका पूरा खून चूस के फेंक दिया यहाँ। हाँ। ये तो वही लड़की लगती है। चलो चलो पुलिस। कमाल का आदमी, पुलिस आ रही है, खून का मामला है, अब खान का पूछताछ होगी। लेकिन राकेश मेरी बात तो सुनो यार। मुझे कुछ नहीं सुना, तू बैठ गाड़ी में, चलो यहाँ से, चलो। नहीं, अच्छा बाबा बोल, क्या बोलता है? राकेश सुनो, सीरियसली सुनो, मुझे ऐसा लगता है मैंने उस लड़की को पहले कहीं देखा है। खबरदार, खबरदार, अगर ये बात जुबान पर भी लाया तो अभी खुद तो मरेगा, मरेगा साथ में मुझे भी मरवाएगा। चल बैठ गाड़ी में। मेरा नाम विकी है, यहाँ क्या लेने आया? मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, सोचा आपसे मिलता हुआ चला जाऊं। इसकी कोई जरूरत नहीं, आइंदा मेरी हवेली की तरफ आए या ताक झांक करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
समझे? Now, get out. जी, get out. माँ, तुम तो कहते थे कि कुमार बहुत अच्छा आदमी है. मुझे तो बहुत ही बदतमीज और बददिमाग आदमी लगता है वो. क्यों, क्या हुआ? आज मैं उससे मिलने गया था, बड़ी बेरुखी से पेश आया मुझसे. तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कुछ लोग अपने आप में ही मगन रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते. माँ, जो लोग अपने आसपास तन्हाई का दायरा बनाए रखते हैं, उनके जीवन में एक ऐसा पहलू जरूर होता है जिसका दूसरों की नजर में आना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. माँ, मुझे कुमार भी कुछ ऐसा ही लगता है. तुम्हारा शक ठीक ही है. अब जबकि तुम असलियत समझ ही चुके हो तो अपने बुरे आत्माओं के प्रभाव से ही आते हैं सावित्री देवी. तो कोई उपाय बताइए पंडित जी, मैं एक बेटा पहले ही खो चुकी हूँ और अब. आज महाशिवरात्रि का शुभ दिन है. शक्ति का प्रतीक यह त्रिशूल इसके गले में डाल देने से कोई भी साया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा. Thank you.
क्या हुआ? आज उसने शिव मंदिर तक मेरा पीछा किया। लगता है वो मेरी असलियत जानना चाहता है। असलियत कब तक छिपाओगी? अब आंख में चोली खेलने का समय नहीं, उसे यहाँ ले आओ। ठीक है। जय महाकाल, भूत निकाल। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं भूत से सवाल करूंगा और भूत स्वयं अपनी भाषा में जवाब देगा। तुम्हारा नाम? करमचंद बल करमचंद जयपुर वाला। इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने पिछले जन्म में मुझसे 2000 रुपया कर्ज लिया था, वापस किए बगैर मर गया। लेकिन कर्ज तो पिछले जन्म लिया था। तो क्या हुआ, मैं मारवाड़ी बच्चा हूँ, मरकर भी कर्ज वसूल करता हूँ। और इसने न दिया तो? तो मैं इसे मार डालूंगा। मामला बहुत गंभीर और भूत बहुत खतरनाक है। अगर तुमने इसके कर्ज को अदा नहीं किया तो ये सारे खानदान को तुम्हारे भस्म कर देगा। अगर मैं ये कर्ज चुका दूं महाराज, तो क्या मेरा खानदान बच जाएगा? बिल्कुल। लेकिन कर्ज दूं कैसे, वो तो भूत है। कर्ज तुम तक कैसे पहुँचाया जाओ? आप इनसे दान ले लीजिए और मंत्र द्वारा हवन कुंड में भस्म कर दीजिए, मुझ तक अपने आप पहुँच जाएगा। भाई अब तुम ऐसा करो कि कर्जे के पैसे पूजा की थाल में रख दो, मैं तुम्हारे जाने के बाद उसको हवन कुंड में भस्म कर दूंगा और वो पैसे राख हो करके भूत तक स्वयं डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। चलो फूटो, अब तुम भी बच्चा जा सकते हो, अब तुम स्वतंत्र हो। चल बे जल्दी। लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हो। मेरी फीस के लिए पैसे नहीं है आपके पास, हैं? शराफत से मेरे 1010 रुपए दे दो, वरना सबको बुलाकर टेप रिकॉर्डर सुना दूंगा। मेरे डियर साले, तेरी दीदी के मरने के बाद तू ही तो मेरा एक सहारा रह गया। ये लो। ये क्या, सिर्फ 100 का नोट? अरे आपने 1010 रुपए देने हैं, बाकी 910 किधर हैं? अरे मेरे साले साहब, बाकी के 910 रुपए 5 रुपए महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में लेते रहना। जी शराफत से पैसे दे दो, वरना सबको बुलाकर आपकी पोल खोलूंगा भी मैं। अब तक वो बहुत दूर निकल गए होंगे, तेरी आवाज भी उन तक नहीं सुनाई देगी। रानी धोबन आ गई। कैसी हो रानी? अच्छी हूँ, कपड़े लाई हूँ। खोलो। खोल दू? ये छोटे बाबू की पैंट। मेरी पैंट। और ये आपका पजामा। ये छोटे बाबू की शर्ट। और ये आपका कुर्ता। ये छोटे बाबू के कच्छे। आपका? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है। माफ कीजिए, ये छोटे बाबू का छोटा, आपका बड़ा। कितने पैसे हुए? 6 रुपये। सिर्फ 6 रुपये? हाँ। कोई बात नहीं। ये लो। हाँ। छुट्टे नहीं। कोई बात नहीं, 94 रुपये हम बाद में ले लेंगे, हिसाब बाद में हो जाएगा। लो। मैं जाऊं? जा रही हो? जाओ 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 जाओ। जीरा जी, अगर ये पायल हमेशा यहीं बजती रहे तो? चुप। तेरी उम्र अभी शादी की नहीं हुई। मैं अपनी शादी की नहीं जीरा जी, आपकी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। सच? अरे यार क्या बताएं तुम्हें। सुनिए जी। चलो यार, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जी मुझे किस बात की? रात को शिव मंदिर में सबको मोली आपने, बहुत सुंदर लग रही थी आप, बिल्कुल अप्सरा जैसी। कहीं आपका भी तो नहीं? जी नहीं। तो फिर आप इतनी सुंदर कल्पना कैसे कर लेते हैं? मैं कल्पना की नहीं, हकीकत की बात कर रहा हूँ। हकीकत क्या है आप जानते हैं? हकीकत? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आप कौन हैं? बार बार अलग अलग रूप में आप मुझसे मिलती हैं और फिर हर बार अनजान बन जाती हैं। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? जी आइए। आइए आप बैठिए, मैं अभी आई।
जी हाँ, मैं रूपाले की मौसी बात कर रही हूँ। जी हाँ, रूपाली आज उसे यहाँ लेकर आई है। उसे ये असलियत अभी तक मालूम नहीं है। ओ, ये बात है। खैर, जब वो यहाँ आ ही गया है तो हम संभाल लेंगे। ओके, बेफिक्र रहे, हमारा जाल इतना कच्चा नहीं जिसे विकी आसानी से तोड़ सके। किसका फोन था मौसी? विकी के डैडी का। मेरे? मेरे डैडी का? लेकिन कह रहे थे विकी ने तुम्हारी फोटो देखी ही नहीं। हा? मैंने इसलिए तुम्हें वो पहचान ही नहीं सका। मैं कुछ समझा नहीं। समझ में नहीं आया? अरे बेटे, रूपाली तुम्हारी बचपन की मंगेतर है। हा? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी फोटो हमें भेजी थी और हमने रूपाली की फोटो तुम्हें भेजी थी जो तुमने देखी ही नहीं। मगर तुम एक बार इसकी फोटो तो देख लो, बचपन में मैं तुम्हारी इसके साथ मंगनी कर चुका हूँ। Come on, डैडी, जब शादी करने का इरादा होगा तब फोटो भी देख लूंगा। कहाँ खो गए बेटे? हाँ, नहीं बस वो तुम लोग चाय पियो, मैं पूजा करके आती हूँ। जी हमेशा तुम्हें सपना समझता रहा हूं। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी जिंदगी की वो खूबसूरत हकीकत हो जिसके बगैर मैं अधूरा हूं। लेकिन लेकिन तुमने मुझे कॉलेज में पहचानने से इनकार क्यों किया? मैं बचपन से तुम्हें देवता मानती आई हूं। उस रात जंगल में जब मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सोचा मैं भी नहीं पहचानूंगी। अरे रूपाली तू? हाँ माँ जी, आज तक आपसे शिव के मंदिर में भेंट होती रही, सोचा आज माँ के मंदिर में आकर माँ का आशीर्वाद लूँ। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुझे अच्छा सा घर और सुंदर सा वर दे। माँ आओ विक्की, आओ बैठो बेटा, अच्छे समय पर आए, इससे मिलो। ये है रूपाली, शिव मंदिर में उस दिन इसी ने नृत्य किया था। ओहो, नमस्ते। नमस्ते। लो बेटी प्रसाद, लो बेटा। तो माँ, भगवान माँ दिन रात तेरी पूजा करती रहती है, ढेर सारा प्रसाद चढ़ाती है, तो उसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर देता? एक मिनट, जरा मैं माँ से पूछ लेता हूँ उसकी मनोकामना है क्या। माँ तेरी मनोकामना क्या है? वही जो हर माँ की होती है, कि उसका बेटा सदा सुखी रहे और घर में एक सुंदर सी बहू लाए। बस इतनी सी बात थी? तो भगवान को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देते मैं ही पूरी कर देता। सच? हाँ, सच बेटा, तू मेरी मनोकामना पूरी करेगा। हाँ। मैं सास बनूंगी। अरे माँ सास ही क्या, तू तो दादी माँ बनेगी। ढेर सारे पोती पोतियाँ होंगे तुम्हारे, सब आकर तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तब तुम भगवान को भी भूल जाओगी। और हाँ माँ, तब मैं अपनी बीवी से डांट कर कहूंगा कि खबरदार बच्चों को फौरन यहाँ से ले जाओ, माँ की पूजा का समय हो गया। रूपाली, रूपाली, रूपाली बेटी, तू मेरी बहू बनेगी। मैं भी आई। मेरी प्यारी सी बहू को कहीं मेरी ही नजर न लगे। तेरी नशीली आंखों ने मेरे दिल को कर लिया कैच। हाय मैं आउट हो गया, हाय मैं आउट हो गया, हाय मैं आउट हो गया। कुछ देख हुई मत होश के खो बैठी मैं अपनी होश। हाय मैं आउट हो गई, हाय मैं आउट हो गई, हाय मैं आउट हो गई।
के हाय मैं आउट हो गया, हाय मैं आउट हो गया, हाय मैं आउट हो गया। कुछ दीप हुई मत होश खो बैठी मैं अपनी होश, हाय मैं आउट हो गई, हाय मैं आउट हो गई, हाय मैं आउट हो गई। शेर याद आ गया, कहते हैं कि नया नजारा इश्क का हमने देखा आज, आशिक से मिले माशूक जैसे पटन से कांच। नहीं विकी, चलो यहां से चलते हैं, तुम्हें मेरी कसम इनके मुंह मत लगो। हाँ उस्ताद, जवानी की शराब से छलकता हुआ प्याला जब जिसके मुंह लगा हो उसे हमारे मुंह लगने की क्या जरूरत है। प्याला तो छलक ही रहा है, एक दो गुट तुम भी लगा लो। शराब खाने में पड़े हुए प्याले को न जाने किस किस शराबी के मुंह लगे होते हैं। और ऐसा झूठा प्याला कुत्ते लगता है, तूने अपने माँ के सीने से दूध नहीं शराब पी है, वरना तू औरत को शराब का प्याला नहीं समझता। शराब क्या हो रहा है? वो इंस्पेक्टर साहब, वो ड्रामे की रिहर्सल हो रही थी। वो सिचुएशन ऐसा है कि विलेन ने मेरी हीरोइन को छेड़ा और मैं इसकी पिटाई कर रहा हूँ, लेकिन हीरोइन कहती है इसने मुझे छेड़ा है, इसलिए मैं अपने सैंडलों से इसका सरगंजा करूंगी। बस वो सैंडल निकाल कर इसका सरगंजा ही करने लगी थी कि बीच में आप आ गए। गंजा सच है ये?
सच्चे सच्चे है ना। विलन का रोल करोगे तो मार तो खाओगे पड़ेगी पड़ेगी मार पड़ेगी। लेकिन ये रिहर्सल यहाँ क्यों? वो है जाना कि वो आउटडोर का सीन है। आउटडोर का सीन है। आउटडोर का चलो इस आउटडोर को इंडोर में बदलो। चलो इंडोर में चलो जल्दी। बदल दिया। मेक अ पॉइंट इंडोर में। कॉलेज में मिलेंगे। ओके बाय बाय विलन होकर पुलिस के सामने खड़े हो खामोश और दफा हो जाओ। चलो फोटो चलो चलो जल्दी। हाँ 100 करोड़ निकालिए 100 का नोट। अबे मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। 100 रुपए का नोट क्यों दूं? लड़की की बात है, खुशखबरी सुनानी है। सच? लड़की की बात है तो हक मिला। निकालिए निकालिए 100 करोड़ निकालिए। 100 तो नहीं है लेकिन मैं तुझे एडवांस के 50 रुपए देता हूँ। बोलता आप चुप तो करो। वो मान गई है रानी धोबन। अगले महीने मैंने आपकी शादी तय करवा दी है। सच? अगले महीने वो दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी होगी। मैं घूंघट हटाऊंगा, उसके करीब आऊंगा, उससे प्यार करूंगा। अरे लाइट नहीं बुझाई मैंने। क्या बता सकते हैं कि कुमार साहब कहां रहते हैं? सामने। थैंक यू। दैट्स ओके। हाय। हेलो। जी, आज ही बिजली समुंदर सुखाने आई है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बिजली अमावस का काला लिबास नहीं पहनते, शोलों का सुर्ख लिबास पहनते। ठीक है, वो भी हो जाएगा। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? मारे पसीने की हालत बहुत खराब हो गई है। Thank you.
मोती मोती हे मोती मोती हटो मोती इंसान नहीं वो हैवान है माँ क्या बक रहा है माँ मैं कुमार की बात करूँ वो हैवान है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है माँ क्या देखा माँ मैंने अरे विकी सुन तो इसको तो हर आदमी भूत ही नजर आता है यहां तक कि जब तुम पहली बार इसे जंगल में मिली थी ना ये तुम्हें भी रूह समझ बैठा था रूह विकी तुम मुझे भी रूह समझते रहे बाकी तुम्हारा दिमाग खराब है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ इंस्पेक्टर साहब तुम एक मिनट जरा मेरी बात सुनेंगे कहो इंस्पेक्टर साहब मैं इस लड़की के कातिल को जानता हूं मरने से पहले मुझे एक बार मिली थी और उसकी कातिल के घर का पता पूछा था और इंस्पेक्टर साहब मैंने ये कत्ल होते हुए देखा है मैं इंस्पेक्टर हूं एक्टर नहीं मेरे साथ कोई उल्टा सीधा सीन करने की कोशिश की तो लेने के देने पड़ जाएंगे समझे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात समझिए चलिए मेरे साथ आइए चलो आइए इंस्पेक्टर साहब यही है वो जगह बरखुदार एक बार फिर सोच लो अगर तुम गलत साबित हुए तो मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा आइए आइए
इंस्पेक्टर साहब तशरीफ रखें। कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? कुमार साहब, आपका पूरा घर पर्दों से कवर है, क्या आपको रोशनी अच्छी नहीं लगती? जी नहीं, मैं दिन को आराम करता हूं और रोशनी मुझे तकलीफ देती। लेकिन हम तो रोशनी ले सकते हैं। खैरिये इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे मेहमान हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी। कुमार साहब, आपके घर में खूबसूरत लड़कियों का आना जाना अक्सर लगा रहता है? अजीब सवाल कर रहे हैं आप। मैं एक खानदानी रईस हूं और आम रईसों की तरह मेरे मिजाज में भी रंगीनियां हैं इंस्पेक्टर साहब। रंगीनियों में कत्ल और खून भी शामिल है? क्या कहना चाहते हैं आप? कल रात स्वीटी नाम की लड़की आपसे मिलने आई थी। हाँ। और आज सुबह उसकी लाश बरामद। क्या? स्वीटी की लाश? किसने किया उसका कत्ल? आप सब जानते हैं, क्योंकि उसके कातिल आप हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस इल्जाम को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत, कोई गवाह है? गवाह मैं हूं, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से कत्ल करते हुए दिखा है, वो भी अपनी खिड़की से। इंस्पेक्टर साहब, इसकी खिड़की मेरे घर के बिल्कुल सामने खुलती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ए लड़के, एक तो बगैर इजाजत मेरे घर में चले आए, ऊपर से गुस्ताखी करते हो। इंस्पेक्टर साहब, आप इस सर फिरे लड़के की बातों में आकर मुझ पर इल्जाम लगाने चले आए। आप जैसे जिम्मेदार अफसर से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अगर मैंने कत्ल किया है तो आप कत्ल की वजह बता सकते हैं? स्वीटी खुद मेरे घर पे चल के आई थी, जाहिर है कि मैंने उसका रेप नहीं किया जो बदनामी के डर से उसका कत्ल कर देता। और अगर कत्ल किया है तो किस चीज से किया? अगर कोई ऐसा हथियार आप मेरे घर से बरामद कर सकते हैं तो तलाशी ले लीजिए मेरे घर के लिए। हथियार से नहीं, इसने अपने दांतों से मारा है इंस्पेक्टर। दांतों से? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। हां इंस्पेक्टर साहब, इसके बड़े बड़े दांत थे सुअर जैसे और दरिंदों जैसे नाखून। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लड़का पागल लगता है, क्या आपको मेरे दांत सुअर जैसे लगते हैं? और रही बात नाखूनों की, तो मैं अपने नाखून हमेशा काट कर रखता हूं, फाइल करके रखता हूं जैसे आम आदमी रखते हैं। जैसा हुलिया इस पागल लड़के ने बताया है, हमने कहानियों में सुना था कि ऐसा हुलिया तो कैतानों का। तू भी तो हैवान है कमीने। शट अप! तुमने खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया है। कहां वो दान, कहां वो नाखून, दिखा मुझे। तुमने एक शरीफ आदमी पर कीचड़ उछाला है, आइंदा ऐसी हरकत की तो इसी खून के जुर्म में तुम्हें बंद कर दूंगा। आई एम सॉरी कुमार साहब, इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। दैट्स ऑल राइट, हैव अ नाइस डे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। शट अप एंड डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अरे ये फोटो यहां, ये तारी धोबन आ गई। अरे धोबन, अरे इतना लंबा घूंघट क्यों भाई? आप मेरे पति है ना, आपके सामने कैसे खोल सकती हूँ अपना घूंघट? लेकिन अभी तो शादी तो एक महीने बाद होने वाली है ना। तो क्या हुआ, गठबंधन तो हो चुका है ना। अच्छा, तो अंदर चलो ना। आओ ना। अंदर नहीं आना, और कोई अंदर आने भी ना पाए। वाह वाह जीरा जी वाह। अरे राली तुम? हाँ। तो फिर वो अंदर कौन है? मेरे पति। आपके जिया जी को पैसे लौटाने आए हैं। पैसे लौटाने? अरे अरे बचाओ, अरे अब अब ये क्या कर रहा है? अरे पड़ी है, अरे 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 मैं माफी मांगता हूं। अरे अरे भाई, हो गई भाई।
चल रानी, अब वो भूतनाथ का बच्चा किसी लड़की की तरफ बुरी नजर उठाकर नहीं देखेगा। चल। क्या हुआ जीरा जी? अरे क्या बताऊं राकेश, मैं तो दुनिया को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। क्या? आंधी पानी का मुझ पर कोई असर नहीं होता। हमारा जाल इतना कच्चा नहीं जिसे विकी आसानी से तोड़ सके। आंधी पानी का मुझ पर कोई असर नहीं होता। हमारा जाल इतना कच्चा नहीं जिसे विकी आसानी से तोड़ सके। रुपाली, रुपाली, डर गए? किस किस रूप में डराओगी मुझे? और भी कोई जानलेवा रूप हो वो भी बता दो। ये तुम्हें क्या हो गया है विकी? मैंने तो मजाक किया था। मंदिर से तुम्हारा अचानक गायब हो जाना मजाक था या फिर कुमार के घर में तुम्हारी तस्वीर का पाया जाना मजाक है? कुमार? कौन कुमार? अनजान मत बनो, मैं उसी कुमार की बात कर रहा हूँ जो इंसान के रूप में हैवान है, मासूम लड़कियों का कातिल है वो। ये तुम्हें क्या हो गया है? आज सुबह से तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं किसी कुमार वुमार को नहीं जानती और मेरी तस्वीर का किसी के घर में पाया जाना सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अगर ये वहम है तो फिर हकीकत क्या है? रूपाली, छलावे की तरह मेरी जिंदगी के साथ छल मत करो, असलियत बताओ, कौन हो तुम? मेरे इतने करीब आकर भी ना पहचान सके मुझे तो फिर मैं क्या बताऊं कि कौन हूं मैं? विकी, अगर वहम के अंधेरे में मुझे देखोगे तो छलावा हूं मैं, और अगर अपनी मोहब्बत की रोशनी में तो तुम्हारी जिंदगी हूं मैं। मौत कितनी भी खूबसूरत रूप में क्यों ना जाए, जिंदगी नहीं बन सकती। हेलो। हाँ डैड, मैं विकी बोल रहा हूँ। अरे विक्की बेटा कैसे हो? ठीक हूँ डैड। डैड मैंने फोन इसलिए किया था, वो जो लड़की की फोटो आप मुझे दिखाना चाहते थे मुझे भेज दीजिए प्लीज। अच्छा बच्चू, मैं समझ गया, विक्की बेटा तुम उसके जाल में फंस चुके हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैं रूपाली की फोटो भेज दूंगा, मगर तुम जरा अपनी सेहत का ख्याल रखना बेटा। ओके डैड, ओके बाय। डैड तुम क्या जानो रूपाली की हकीकत क्या है? तो तुमने अपनी बहन की वेदी पर रूपाली की मोहब्बत की बलि दे ही दी। बहन क्या हो गया तुम लोगों को, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, देखो रूपाली एक छलावा है, बला है वो। धीरे बोल, धीरे बोल। कहते हैं अगर बला को याद करो ना तो वो हाजिर हो जाती है। वो आ ही गई। हाय राकेश। हाय। हाय विकी। अच्छा राकेश मैं चलता हूँ। विकी मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लुपाली लुपाली लो, ये बित्ती ने तुम्हारे लिए प्रेम पत्र लिया है। नहीं नहीं, दिया है, दिया है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे हुस्न की
छलकती शराब नहीं पीऊंगा। कहा था ना, मैं झूठे जाम को अपने होठों से नहीं लगाता। दोस्तों मैं बांट देता हूं, मैं तो एक साकी हूं, पीने वाले तो ये हैं। मैं जानता हूं कि तुम बचाओ, शोर मचाओगी ना, इसलिए हमने विक्की के नाम खत लिखकर तुम्हें यहां बुला लिया। हाँ मालूम है तुमको, लेकिन यहां पर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, दूर तक। हाँ देखते क्या हो। आइए। शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कुमार कहते हैं। रूपाली जानता। सकेगा न गुंडे न कुमार। लेकिन विकी तुम तो मुझसे अब मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं।
डैडी ने मुझे तुम्हारी तस्वीरें भेज दी हैं, वरना न जाने मैं तुम्हें क्या कुछ समझ बैठा था। हाँ रूपाली, लेकिन विक्की, मेरी तस्वीर उसके घर में। इसकी तय तक पहुंचने के लिए हमें किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। यार हमेशा मजाक करते रहते हो, कभी तो सीरियस आ करो। मैं तुम्हें सच कहता हूँ राकेश, उसने कल रात को रूपाली पर हमला किया था। हाँ राकेश, विकी ठीक कह रहा है, कल रात मैंने भी उसका भयानक रूप देखा। लो अब तुम भी इसकी बातों में आ गई। हाँ भाई, जब तार से तार मिले हो तो एक सुर में बोलोगे ही। प्लीज राकेश, हमारी जान पर बनी है, तुम नहीं जानते वो भूत हमारी जान का दुश्मन बन गया है। अरे क्या बातें करते हैं आप लोग, मेरे होते हुए वो भूत आप लोगों में से किसी का एक बाल बांका नहीं कर सकता। मैं गंगा जल लेकर के आऊंगा और गंगा जल देख करके वो 20 कोस भागेगा, लेकिन मैं उसे 1 इंच नहीं भागने दूंगा और अपने तांत्रिक विद्या से उसे भस्म कर दूंगा। मैं अभी भैरव के मंदिर में जाकर के गंगा जल लेकर आता हूं। रूपाली अब तुम घर जाओ, देखो ऐसी जगहों पर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। नहीं विकी, मैं जाता हूं राकेश और जीजाजी के साथ, तुम घर जाओ। ए, क्या हो रहा है? कमाल है, अजीब सा तय खाना है। वेणु जला लो। चार पाँच छह सात आठ नौ दस बस बस बस। इधर बिकश कश बिकश, उधर बिकश कश बिकश, इधर बिकश उधर बिकश, मस्तानों की महफिल में है अरमानों का रश 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 रश। इधर बिकश कश बिकश, उधर बिकश कश बिकश, इधर बिकश उधर बिकश, मस्तानों की महफिल में है अरमानों का रश 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 रश। चादर के नीचे अरे कह दो दुनिया वालों से बड़े न यूं अपने पीछे। रिबा बा 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 रिबा बा 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 बा। दिल वालों के दम से यारो दुनिया है दिलकश कश कश कश। इधर बिकश कश बिकश, उधर बिकश कश बिकश, इधर बिकश उधर बिकश, मस्तानों की महफिल में है अरमानों का रश 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 रश। जरूरी है जी भर के हम जीते हैं अपनी ये कमजोरी है। ना ये डाका चोरी है, ना ये सीना जोरी है, जी भर के हम जीते हैं अपनी ये कमजोरी है। रे पापा रे बाबा बाबा बा, रे पापा रे बाबा बाबा बा। हम लोगों से जलने वाले खाते हैं क्यों रश 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 रश। इधर बिकश कश बिकश, उधर बिकश कश बिकश,
इधर भी कश उधर भी कश, मस्तानों की महफिल में है अरमानों का रश 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 रश। रूपाली की तस्वीर थी, कहां गई? आइए आइए भूतनाथ जी, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। अरे आप मेरा नाम पहले से जानते हैं? आप जैसे महान तांत्रिक को कौन नहीं जानता। देखा मैं कितना जबरदस्त पब्लिक फिगर हूँ। दिखाई दे रहा है मुझे फिगर आपका। आप सब यहाँ शक के बिना पर आए हैं ना? देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, सब कुछ विक्की की तसल्ली के लिए है। भूतनाथ जी आप तो इतने महान तांत्रिक हैं, इस भोले भाले लड़के के दिमाग पर से वहम को दूर करने का अगर कोई तरीका हो तो उसे जरूर अपनाइए। देखिए मुझे मुझे तो किसी तरह का कोई भी शक नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी ये तकलीफ देना चाहता हूँ कि ये गंगा जल है, इसको अगर आप पी लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके हाथ में गंगा जल ही है? जी, गंगा जल है, गंगा जल है ये। नहीं, अब भी कोई शक की गुंजाइश है? देखिए मुझे मुझे तो कभी भी कोई शक नहीं था। अब तो तुम खुश हो, खुश हो ना? तुमने सबके सामने हां कर दी, इस हां को हमेशा के लिए कायम रखना, तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। क्या करते हैं आप जीरा जी, सारे के सारे सिगरेट गिरा दिए। क्या हुआ? विकी विकी जल्दी चलो, जल्दी आओ विकी, विकी आओ जल्दी आओ। बात क्या है जीरा जी? जल्दी आओ। ठहरिए ठहरिए, हमसे दोस्ती का हाथ मिलाए बगैर ही चले जाएंगे भूतनाथ जी?
चलो बेटे, जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे भागो, जल्दी चलो यहाँ से। जीजा जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप वहां से भाग कर क्यों निकले? न मैं वहां से भाग के आ रहा हूँ, न ही मैं घबराया हुआ हूँ भाई। जीजा जी, आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? मेरी तरफ देखिए और बताइए, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। झूठ है जीजा जी। जीजा जी, आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए, बात क्या है? तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, एक एक भूत प्रेत है। अरे अगर वो भूत है तो फिर उसने गंगा जल कैसे पी लिया? नहीं नहीं, वो गंगा जल नहीं था, वो गंगा जल बिल्कुल नहीं था, वो नल का मामूली पानी था। विक्की के वहम को दूर करने के लिए ये सब कुछ मैंने किया था, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। जीजा जी, मुझे एक बात बताइए, वो इंसान नहीं है, वो भूत है, ये बात आपने कैसे जान ली? भाई वो सिगरेट केस था ना, उसमें एक शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में मैंने उसके रूप का सही अक्स देख लिया था। हाय हाय हाय, ऐसा कोई जादू वाला शीशा मुझे भी दिखाइए जिसमें मैं आपका सही रूप या अक्स देख। राकेश प्लीज यार, मजाक बंद करो। आप भी हमें कोई रास्ता बताएं, आप तो इतने बड़े तांत्रिक हैं। मैं बिल्कुल तांत्रिक नहीं हूँ, ये सब झूठ है, ढकोसला है, बनावट है। मैं आज तक ये सब कुछ नाटक इसलिए गढ़ता रहा कि मुझे अपना और इसका पेट पालना था। बेटे मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सारी कहानियां मैं झूठ गढ़ता रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि भगवान मुझे माफ कर देगा। आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। चलो सुधरे तो सही। बेटे बेटे, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज के बाद उस हवेली की तरफ कभी कदम न उठाना, क्योंकि ऐसी बुरी रूहें उस वक्त तक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कि इंसान खुद या उसका कोई घर वाला या उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई अपना उसे न छेड़े, उसे न परेशान करे या उसे दावत न दे। हाँ बेटे। नमस्ते। आओ बेटा। इतने सालों से पड़ोस में रहते हो लेकिन आज तक कभी घर नहीं आए। आपने कभी बुलाया ही नहीं। हम तो तब तक कहीं नहीं जाते जब तक कोई हमें दावत ना। मैं जानती थी, इसीलिए तो तुम्हें दावत देकर बुलाया है। मोती, मोती चुप। अरे अरे मोती, अरे चुप, आवाज बंद करो। मोती शट अप। घबराओ मत बेटा। अरे मोती, क्या हो गया तुझे? मोती बैठो। अरे ओहो, चलो अंदर बैठो बेटा। मोती चुप करो, चुप। विक्की आओ बेटा। हाँ माँ। इनसे मिलो, ये है अपने पड़ोसी कुमार। हेलो विक्की। तुम? कमाल है विक्की साहब, आप तो हमें देखकर इस तरह चौंक रहे हैं जैसे हम बिना बुलाए कहीं जा ही नहीं सकते। वैसे आपका सोचना सही है, हम बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। आज आपकी माताजी ने हमें दावत दी। दावत? हाँ बेटे, मैंने सोचा पड़ोसियों में सिर्फ जान पहचान ही नहीं दोस्ती भी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कुमार को बुला लिया। लीजिए माताजी, दोस्ती की शुरुआत हम करते हैं। देख क्या रहे हो बेटे, हाथ मिलाओ। बेटे दोस्ती के लिए बड़े हुए हाथ को लौटाया नहीं करते, चलो हाथ बढ़ाओ। ये हुई ना बात, अब तुम दोनों गप्पे मारो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कमाल है विक्की, तुम दो बार हमारे घर आए, एक बार इंस्पेक्टर को लेके और दूसरी बार उस झूठे तांत्रिक को लेके। हमने तुम्हारी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक तुम हो जो घर आए मेहमान से घर आने का सबब पूछते हो। हैवान किसी का मेहमान नहीं होता। चलो हम मान लेते कि हम हैवान हैं, लेकिन हम यहां खुद नहीं आए,
तुम्हारी माँ ने हमें बुलाया। मेरी सीधी सादी माँ तुम्हारी असलियत नहीं जानती। हम भी यही चाहते हैं कि वो हमारी असलियत ना जान सके, क्योंकि हमारी असलियत जानने के बाद कोई भी नहीं बचता। इसलिए तुम भी जो कुछ जानते हो ना विकी, उसे भूल जाओ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर तुम दुश्मनी के शोलों को हवा दोगे तो सबसे पहली आंच तुम्हारी माँ पर आएगी। खबरदार कमीने, जो मेरी माँ को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिलैक्स विकी, रिलैक्स। मरने का डर इंसानों को होता है, हम जैसे हैवानों को नहीं। ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा मत करो। तुम ठहरा हुआ पानी नहीं, वो खौफनाक लहर हो जो मासूम इंसानों को निगलने के लिए अपना जबड़ा फाड़े हुए रहती है। ये जानते हो तो इस खौफनाक लहर के जबड़े से दूर रहो, और अगर नहीं। इस वक्त मैं तुम्हारे यहां मेहमान की हैसियत से आया हूं, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। आज आधी रात के बाद शैतान की हैसियत से आऊंगा, उस वक्त देखना मेरी हैवानियत की पहुंच कहां तक है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी हैवानियत की पहुंच कहां तक है, लेकिन तुम नहीं माने।
इस बुढ़िया के बेटे ने भी मेरा राज जान लिया था, मार डाला उसे, अब तेरी पारी है। ये वही कुमार है जिसने तुम्हारी विक्की की जान ली थी। हाँ। चिरंजीव रहो देवी, कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे बेटे को किसी प्रेत आत्मा ने जकड़ रखा है, इसे बचा लीजिए। इस बच्चे पर तो किसी प्रेत आत्मा का साया नहीं है। महाराज, ये वो प्रेत आत्मा नहीं जो शरीर में प्रवेश करती है। महाराज, ये वो प्रेत आत्मा है जो कभी मानव का रूप धारण करती है और कभी प्रेत का। ये तो कोई मायावी प्रेत आत्मा है, परंतु देवी, हम अपने गुरु का स्थान छोड़कर बाहर कहीं नहीं जाते। जिन पर भूत और प्रेत का साया होता है वो स्वयं चलकर हमारे आश्रम तक आते हैं। लेकिन मेरे बेटे की जान खतरे में है स्वामी जी। देवी, ये हमारे गुरु का स्थान है, इसे छोड़ने पर हमारी आधी विद्या समाप्त हो जाती है। आपको अपनी विद्या की चिंता पड़ी है? किसी इंसान की जान की कोई भी कीमत नहीं। देवी, तर्क वितर्क से कोई लाभ नहीं। हमने कह दिया ना कि हम अपने गुरु का स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो ठीक है, मेरा एक बेटा तो उस प्रेत की भेंट चढ़ ही चुका है। अगर इस बेटे को भी कुछ हो गया ना महाराज, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। अगर माँ की आंखें बरस पड़ी तो उन आंसुओं में आपकी पूरी विद्या, पूरी तपस्या बह जाएगी महाराज। चलो बेटा। ठहरो देवी, हमें श्राप मत दो। माँ के श्राप से तो ब्रह्मा भी नहीं बच पाया था, फिर हम तो एक मामूली से सन्यासी हैं। ठीक है, एक माँ के लिए हम अपना ये नियम भी भंग करते हैं। यही है वो जगह, यही है वो जगह जहाँ वो शैतान रहता है। ठहरो देवी, ये कोई बहुत ही शक्तिशाली और मायावी प्रेत आत्मा है। इस पर काबू पाने के लिए मुझे अपने सारे जीवन की तपस्या खर्च करनी पड़ेगी। जब तक मैं वापस नहीं आऊं, तुम दोनों ओम नमः शिवाय का जाप जपते रहो। भंभन भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। रूपाली, देखिए माँ जी, आप यहाँ जीजा जी के मना करने पर भी। तुम दोनों यही ठहरो, मैं अंदर जाकर जाप करती हूँ।
ओए, तुम लोग यहाँ? राकेश, महातांत्रिक ब्रह्मदेव जी अंदर गए हैं। हैं? आज जो अपनी तांत्रिक शक्ति से इस शैतान को नष्ट कर देंगे। अबे, अबे तुम लोग अभी तक ऐसी चक्कर में पड़े हुए हो? राकेश। आइए आइए महातांत्रिक ब्रह्मदेव। क्यों चौंक गए कि मैं आपको किस तरह जानता हूं? मैं तो यह भी जानता था कि आप इस समय यहां आएंगे और आपकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। यह सब कुछ तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं आपसे बड़ा तपस्वी हूं। अगर तपस्वी हो तो तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है। इस प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? जिस प्यासे के होठों से प्याला लगकर छूट जाए वो अपनी सारी तपस्या दांव पे लगा देता है। इन होठों के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं समझा नहीं। ये समझने के लिए तांत्रिक तुम्हें सदियों कई जन्मों पीछे जाना होगा, जब मैं कुमार नहीं कुमार ऋषि देव था। हमने अपने राजपाट के 20 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। पुरखों की प्रथा के अनुसार अब हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं और अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपनी बेटी रूपमती को बनाना चाहते हैं। यह अन्याय है महाराज। ऋषिदेव बोले दीजिए। गुरुदेव, प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। बोलिए ऋषिदेव, क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं है महाराज। आपका ज्येष्ठ भतीजा होने के नाते इस राज्य पर मेरा अधिकार है और हमारे सूर्यवंशी खानदान में हमेशा पुरुष राज करते आए हैं। हम कदापि पुरखों की परंपरा नहीं बदलते। यदि तुम राजा बनने के योग्य होते तो तुम भोगी हो, जबकि राजा को जोगी होना चाहिए। तुम निर्दयी हो, जबकि राजा को दयावान होना चाहिए। तुम चंचल हो, जबकि राजा को स्थिर होना चाहिए। इस अपराध के लिए हम तुम्हें मृत्युदंड दे सकते हैं, परंतु तुम हमारे भतीजे हो, वंशी हो। तुम्हारे लिए यही दंड बहुत है कि तुम शीघ्र अति शीघ्र यहां से चले जाओ। मुझे राज्य से वंचित कर दिया गया। मेरे जैसे योग्य पात्र के होते हुए महाराज ने अपनी पुत्री कुमारी रूपमती को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। मुझे शक्ति चाहिए तांत्रिक। मैं छल से, कपट से, शक्ति से, जिस प्रकार से हो सके राज्य को प्राप्त करना चाहता हूं और अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूं। इसके लिए तुम्हें शक्ति यज्ञ करना होगा। यज्ञ होने के उपरांत तुम में अद्भुत शक्ति आ जाएगी। मैं यज्ञ करूंगा तांत्रिक। यज्ञ बहुत कठिन है। राज्य को प्राप्त करने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैं कठिन से कठिन काम करने को तैयार हूं। जब भी कोई तुम्हारे सामने लाल वस्त्रों में आएगा उसका खून पीने से तुम्हारी शक्ति और बढ़ेगी। शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं। मैं जन्म जन्म तक तेरा पीछा करूंगा। जिससे मेरी आत्मा को मानव शरीर प्राप्त होगा उस दिन
मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। जब तक मैं तुझे हाथों से नहीं मारता तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पिताजी, मैं जानती थी यह अपार शक्ति प्राप्त करके आप पे वार करने जरूर आएगा। सिपाहियों, इसके शरीर को नीचे तहखाने में डाल दो ताकि इसकी आत्मा इसके शरीर से तो निकले लेकिन तहखाने की गहराइयों से कभी बाहर ना निकले। ले जाओ। इस तरह मैं 300 साल तक तहखाने में बंद रहा और फिर एक रात जो हम शैतानों के लिए वरदान होती है और तुम इंसानों के लिए एक भयानक रात, उस भयानक रात में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, मुझे माफा नहीं, और मैं उस बच्चे में समाकर कुमार बन गया। इस बीच राजकुमारी ने जाने कितने जन्म लिए, इस युग में भी उसने जन्म लिया। और फिर एक रात एक खूबसूरत लड़की ने मेरी कार में लिफ्ट मांगी, मैंने उसे पहचान लिया कि वो राजकुमारी रूपमति है। तो फिर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी क्यों नहीं की, क्यों नहीं समाप्त किया उसे? क्योंकि उस दिन उसके गले में शिव की शक्ति का त्रिशूल था, जिस दिन वो त्रिशूल अलग हो जाएगा मैं उसे समाप्त कर दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते तांत्रिक, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अब वो शक्ति ही नहीं है। मैं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होने दूंगा, संभाल मेरा बात। ब्रह्मदेव जी भी। अबे छोड़ ना यार, तुम लोग करो अपना टाइम वेस्ट, मैं चला। विकी, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर छोड़ा विकी, चलो। चलो विकी। लगता है राकेश की आवाज है, चलो। राकेश, क्या हुआ राकेश? राकेश, क्या हुआ राकेश? कुमार, क्या किया कुमार ने? बाल मेरा सारा खून चूस गया। खून चूस दिया? कब, कहां, कैसे? कुमार मजाक करते हो तुम भी यार। इज्जत, चलो विकी। भूत के नाम से कैसे डरती है दुनिया। Thank you.
तुम क्यों डरते हो? तुम तो शैतानों में विश्वास नहीं करते। लेकिन तुम अब किसी से कह नहीं सकोगे कि तुमने शैतान को देखा है और तुम उस पर विश्वास करते हो। मजाक कर रहा है वो। ये मजाक नहीं, ये वाकई उसकी चीख है, ये राकेश की चीख है। अरे छोड़ो, उसकी तो मजाक करने की आदत है। राकेश, तेरा ये मजाक नहीं चलेगा। तुम मेरी बात समझो रूपाली, ये उसी की चीख है। क्या बात है, क्या धक्का मार रहे हो? सॉरी सर, कोई टेबल खाली नहीं, पहले काफी रश। हजूर आप यहाँ आइए, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आपकी जगह तो सरकार यहाँ है, प्लीज आइए। सॉरी सर। अरे साहब आइए आइए, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, जी हाँ बैठिए बैठिए। थैंक यू। अच्छा ये बताइए क्या खाएंगे आप? जी नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। जी नहीं। जी नहीं ठीक है जी। नहीं नहीं बेटा इधर आओ। यस ऐसा करो साहब के लिए दो कप कॉफी लेके आओ। ओके सर। ओके। अरे नहीं साहब कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा आपको, कैसी बात करते हो। एक्सक्यूज मी प्लीज जी। नहीं एक मिनट में हाजिर होता हूँ, एक मिनट में। दो कॉफी के इतने पैसे? जी नहीं, ये कॉफी के नहीं, आपका दोस्त जो खाना खा गया है वो भी साथ में। लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं था, हम उसे जानते भी नहीं। आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं ये ऐसे ड्रामे यहाँ रोज ही होते हैं और हम जानते हुए अनजान नहीं बनना चाहते, समझे? आपको ये पैसे देने ही पड़ेंगे। बदतमीज। जलाइए मत, एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी। वाह ए साहब, ट्राफर से पैसे निकालिए वरना मैं आपके कपड़े निकालूंगा, समझे? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जाके मैनेजर से बात करो। हाँ हाँ चलिए मैनेजर के पास, बड़े मैनेजर के पास चलिए, आइए चलो।
इनके दोस्त ने खा पीकर 786 रुपए का बिल बना दिया साहब, और इनका दोस्त तो पतली गली से 9-11 हो गया। और ये साहब पैसा मांगा सर, इनकार कर रहा है सर। ये झूठ बोल रहा है मैनेजर। इंस्पेक्टर खान जी, मैं ऑस्कर होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। बोलिए। पहले भी जो हमने आपको एक कंप्लेंट लिखवाई थी, आज एक लड़का हमारे हाथ लग गया है। पुलिस? अगर चाहूं तो तुझे अभी मार डालूं। ए, क्या लफड़ा है? क्या हो रहा है ये? Yeah!
गुरु तुम मुझे जाने दो गुरु। चीर के रख दूंगा प्यारे, उस दिन के बाद आज टकराए हो उस दिन का सारा हिसाब किताब आज ही चुकता कर दूंगा। रूपाली को शैतान लेके आए। अच्छा, उसे बचा लेने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, जो हिसाब चुकता करना होगा ना बाद में कर लेना। यार प्लेटफॉर्म से छुटी हुई गाड़ी, गुजरा हुआ वक्त और हाथ में आया और दुश्मन फिर कभी हाथ नहीं आता। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बेटा विक्की तू मेरी फिक्र मत कर, मेरी बहू का बचा ले, वो शैतान उसे अंदर ले गया है। जीजा जी आप? मैं जानता हूं बेटे, मुझे मुझे अपने पापों का प्रायश्चित कर लेने दो। आओ मेरे साथ आओ। रूपाली, बच
बचो। बच के जाओगे? अब तो दिन निकला है, कहां बच के जाओगे? Ah!
Ah!